जयपुर का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, सबको सुन रहे हैं, सब शांति की अपील भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो एक नजरिया जो सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ, पुलिस का नजरिया, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि हल्की सी भी खबर कहीं से आए। विश्व गुरु के तौर पर हम आगे बढ़ रहे हैं, शांति की हर जगह हम लोग संदेश देते हैं, तो इस संदेश के साथ उदयपुर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? दो दिन की छुट्टी है, पुलिस को थोड़ी राहत भी मिलेगी। अच्छा, और ये बताइए, उदयपुर के अंदर जो नेता हैं, उन नेताओं का स्टैंड क्या है? क्या वो लोगों के बीच जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखिएगा? जी बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की अगर बात करें तो पिछले कई दिनों से, जब से ये तय हुआ है कि फैसला जो है शीघ्र आने वाला है, तभी से वो लगातार एक स्टैंड पर कायम है कि फैसला जो भी हो हमें स्वीकार करना है। और ये जो अपील है, चाहे पुलिस की हो, प्रशासन की हो, जनप्रतिनिधियों की हो, इसी का जो नज़ारा है वो ये देख सकते हैं किस तरीके से सामान्य तौर पर जिस ढंग से लेक सिटी का अंदाज है, सुबह जिस ढंग से शुरुआत होती है इस शहर में, वो शुरुआत बदस्तूर है। कोई किसी तरह का चेंज नज़र नहीं आ रहा है कि किसी के मन में कोई डर भय हो, लेकिन चूंकि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी एहतियात बरतने की कोशिश में है, और यही वजह है कि जो अतिरिक्त जाप्ता है वो अलग अलग जगहों पर तैनात किया। लेकिन मेरे कैमरा पर्सन को कहूँगा कि जरा दिखाएं किस तरीके से तमाम जो दुकानें हैं, चूँकि ये समय है, अधिकांश दुकानें खुल रही हैं और खुलने वाली हैं, मिठाई की दुकानें जो हैं वो खुल चुकी हैं, चूँकि गुजराती पर्यटक जो है उसका, चूँकि उदयपुर में सैलानियों का आना जाना बहुत ज़्यादा है, ये टूरिस्ट सीजन है, और आप देख सकते हैं टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से एंजॉय करने के मूड में हैं। यानी कि एक मैसेज जो है, जो कि पक्षकार भी दे चुके हैं, आम लोग दे, आम जो जनप्रतिनिधि हैं वो दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन दे रहा है, ये जो तमाम लोग हैं ये जो अपील कर रहे हैं कि शांति रहे, सद्भाव रहे, और उसी की ये वानगी जो है वो ब्रजेंद्र देखी जा सकती है कि किस तरीके से साधारण ढंग से उदयपुर की जो आम दिनों की जो दिनचर्या है वो उसी अंदाज में है, किसी तरह का कोई बहुत ज़्यादा चेंज नज़र नहीं आ रहा है। और एक बड़ी बात ये भी है कि लोगों में जो एक उनके मन में भावना थी, एक लंबे अरसे से एक इस तरीके की कश्मकश थी कि जो फैसला है वो आ जाना चाहिए, उसके बाद ब्रजेंद्र ये बात भी तय होगी कि इस देश में जिस तरीके के सांप्रदायिक सौहार्द की बात जो है वो कही जा रही है, उन वो एक अच्छी चीज़, वो जो सुनहरा पहलू है वो भी शायद संभव है कि वो भी निकल के आएगा। तो मुझे लगता है कि देश में जो एकजुटता की भावना है, अखंडता की जो बात है, वो भी शायद सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल रवि।